from watching reactions. In today's video, I'll react to most famous people who convert to Islam. Mashallah, Islam में जो है वो बहुत सारे लोग शामिल आ, होने लगे हैं recent सालों में बहुत ज्यादा लोगों ने इस्लाम को ज्वाइन किया है लेकिन फेमस शख्सियत जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में द वीडियो वन टू थ्री असलम दोस्तों मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम दुनिया का काम और सच्चा मजहब है वैसे तो पूरी दुनिया में आलमोस्ट दो अरब मुसलमान मौजूद हैं लेकिन हर रोज सैकड़ों लोग हिदायत हासिल करके इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं वह आज के स्टूडियो में मैं आपको इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट एंड्रयू टेट दोस्तों अगर आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं तो आप सबने एटलीस्ट एक, एक दफा एंड्रयू टेट को जरूर देखा होगा ये दुनिया के सबसे रिच और स्मार्ट लोगों में से एक है वैसे तो ये क्रिश्चियन थे लेकिन एंड्रयू अपनी पॉडकास्ट में हमेशा ये कहा करते थे की इस्लामी दुनिया का सच्चा मजहब है वेल इन्हें अपनी लॉजिकल स्पीचेस और सच्ची बातों की वजह से इंटरनेट के हर सोशल प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया था लेकिन इनके फेम में कोई कमी नहीं आई थी चंद हफ्तों पहले एंड्रयू दुबई आ गए थे और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं अब एंड्रयू दुबई के अंदर ही रह रहे हैं और अपने मुसलमान होने पर बहुत खुश हैं

फैसला कर लिया सोलह अप्रैल दो हजार बीस को ये मुसलमान हो गए थे और इन्होंने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कलमा पढ़कर मुसलमान होने की पूरी वीडियो भी शेयर की थी इन्होंने अपना नाम खालद रख लिया था और इनका कहना था कि दीन इस्लाम काफी अरसे से इनके जहन पर हावी था लेकिन इन्हें इसका मुताला करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था वेल्फ क्वारंटीन के दौरान इन्होंने इस्लाम आरोप रिसर्च किया और इन्हें अपना अकीदा तलाश करने में बहुत मदद मिली और अलहमदुल्ला अब ये इस्लाम के साय में है तो, हंसराज हंस दोस्तों हंसराज हंस एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं इनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 9 अप्रैल 1962 को पंजाब में पैदा हुए थे ये पंजाबी फोक सूफी म्यूजिक और पंजाबी पॉप वगैरह गाते थे वैसे तो हंसराज एक हिंदू थे लेकिन इन्हें कुरान पाक पढ़ने का बहुत शौक था इसी शौक की बिना पर इन्होंने कुरान और इस्लाम का गहराई से मुताया शुरू कर दिया था और आखिरकार इस्लाम की तालीमत से मुतासर होकर 20 फरवरी 2014 को ये मजहब इस्लाम में एक मुसलमान की हैसियत से दाखिल हो गए इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरी दुनिया को अपने मुसलमान होने की खुशखबरी सुनाई थी और इन्होंने अपना नाम बदल मोहम्मद यूसुफ रख लिया था सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद

25 साल की उम्र में मोन्टाना ने ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम में हिस्सा लिया और एक नेशनल प्लेयर बन गए तो नहीं था ये तो चर्च जाते थे और ना ही किसी रिलीजियस इवेंट में शिरकत करते थे अप्रैल दो में जब ये अपना फर्स्ट रग्बी मैच खेलने के लिए गए तो इनकी मुलाकात विलियम ओट से हो गई जिन्होंने रिसेंटली इस्लाम कबूल किया था और वो माहिर रमजान के रोजे रख रहे थे मोंटी विलियम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई विलियम जिनका इस्लामी नाम खालद है इन्हें इस्लाम के बारे में नई नई बातें बताते थे यहाँ से मोंटी में इस्लाम का इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया था इन्होंने कुरान पाक और दूसरी इस्लामी किताबों का मुताया करना शुरू कर दिया था आखिरकार इन्हें समझ आ गई कि दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है और इन्होंने 13 जुलाई 2020 को बाकायदा तौर पर अपने मुसलमान होने का इकरार कर लिया मॉन्टी का कहना था कि इन्हें शुरू से ही लगता था कि कैथलिक मजहब इनके लिए इनपरफेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक प्राउड मुस्लिम है टीकू तलसानिया दोस्तों अगर आप इंडियन मूवीज देखते हैं तो आपने कभी ना कभी इस फनी एक्टर को जरूर देखा होगा इनका नाम टीकू तलसानिया है और ये अनगिनत बॉलीवुड फिल्म्स में काम कर चुके हैं वैसे तो इनका ताल्लुक एक हिंदू फैमिली से है लेकिन इसी साल के शुरू में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें टीकू एक बामल मुसलमान की तरह नजर आ रहे थे इवन इस पोस्ट को जिस शख्स ने शेयर किया था उसके मुताबिक इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है लेकिन इन्होंने ये बात ऐलानिया तौर पर नहीं बताई इंडियन मीडिया के ये पोस्ट झूठी है और इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद टीकू को किसी ने नहीं देखा और ना ही आज तक इन्होंने इस खबर को झूठा करार दिया है एनीवे anyway, जो भी हो अगर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो इनसे ज्यादा खुशकिस्मत शख्स पूरे बॉलीवुड में और कोई नहीं हो सकता वेन दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इनका नाम वेन है और इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है ये अफ्रीका के एक बहुत ही मशहूर क्रिकेट प्लेयर हैं इन्हें अपनी टीम का सबसे फास्ट बॉलर माना जाता है ये 30 जुलाई 1989 को एस ए क्रिश्चियन पैदा हुए थे सन 2006 में जब पेरनल की उम्र सिर्फ सत्रह साल थी तो ये अफ्रीका की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके थे इन्होंने जो टीम ज्वाइन की थी उस टीम में दो मुसलमान प्लेयर हाशिम आमला और इमरान ताहिर पहले से ही मौजूद पैरनल की इनके साथ गहरी दोस्ती हो गई थी और आएस्था आएस्था ये इस्लाम में दिलचस्पी लेना स्टार्ट हो गए थे इन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ इस्लाम को भी गहराई से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था वेल पैरनल को इस्लाम से बहुत ज्यादा लगाव हो गया और आखिरकार तीस जुलाई दो को इन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था इन्होंने अपना इस्लामी नाम वलीद रखा था और अब ये इसी नाम से जाने जाते हैं आइडन हैनरी दोस्तोंनरी उनतीस अगस्त उन्नीस सौ चौरानवे को लंदन में पैदा हुए थे ये एक शॉर्ट हाइट बॉक्सर हैं और इनके छोटे कद की वजह से इन्हें लिटल मैन का नाम दिया गया है इनका कद सिर्फ तीन है विल आइडन की लाइफ स्टोरी दूसरों से बहुत ही है इनके वाल बचपन में ही फौत हो गए थे और घर का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया था आइडन ने अपनी माँ और बहनों का पेट पालने के लिए सिर्फ तेरह साल की उम्र में ही चोरिया करना स्टार्ट कर दी थी जब ये पहली बार जेल थे तो इनकी उम्र सिर्फ चौदह साल थी ये अपने पूरे क्रिमिनल करियर में तेरह दफा जेल गए थे और इन्हें फेम भी जेल से ही मिला था असल में ये फनी वीडियोस बनाकर इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे और वहीं से ये वायरल तो इन्होंने, इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया सितंबर 2020 में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे अब अलहमदुल्ला और इनकी पूरी फैमिली

इस्लाम के मुतालिक जानने की कोशिश करते थे कुछ अरसे तक ये इस्लाम को स्टडी करते रहे और आखिरकार इन्होंने इस्लाम अपनाने का फैसला कर लिया अप्रैल दो हजार इक्कीस को इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया जिस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो रमजान का महीना था और इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपने मुसलमान होने की न्यूज भी शेयर की थी जॉन ने अपना नाम इमाद रख लिया और अगले ही दिन इन्होंने अपने फियांसे से निकाह कर लिया और ये फैमिली आज भी इस्लाम के दामन में है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज माशाल्लाह ये सिर्फ चंद लोग हैं उन सारे लोगों में से जो इस्लाम को धराधर कबूल कर रहे हैं माशाल्लाह उनको हिदायत दें और सही रास्ते पे चलने की तोफ़ी अत फरमाए उनको दीन को समझने की तोफ़ी अता फ़रमाए और आ, उनसे और भी बाकी लोग इंस्पायर हो के वो भी इस्लाम को कबूल करें तो ये थे कुछ आ, फेमस शख्सियात जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है एक एंड्रयू जो जो एक सेलिब्रिटी है टिकटॉक वगैरह पे तो मुझे ये इस बात पे हंसी आ गई कि उन्होंने अपना नाम मुसलमान होकर अबू एंड्रयू रखा है एंड्रयू से अबू एंड्रयू उसको शायद नहीं पता कि अबू का क्या मतलब होता है अबू मतलब फ़ादर ऑफ़ तो वो अपना नाम वही रखा है एंड्रियो अबू एंड्री मतलब वो अपना बाप बन गया है मुसलमान होकर <laughs> तो उसको कुछ और ही नाम रखना चाहिए था अबू एंड्रयू में अप, अपना बाप बन गया है वो नाम तो सेम ही है वो पहले एंड्रयू था अब अबू एंड्रयू वो अपना खुद खुद का बाप बन गया है बहरहाल <laughs> तो उसके अलावा एक जो इंडियन एक, एक्टर था तीखू तलसानिया वो उसके बारे में बताया है कि वो उसकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो दारी रखे और बिल्कुल मुसलमान मतलब हो गए थे ऐसा लग रहा था लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया बॉलीवुड ने बोला कि नहीं ये झूठी खबर है उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया लेकिन उन्होंने इस्लाम का ऐलान नहीं किया क्यों नहीं कि अगर वो मुसलमान हो गए तो उनको ऐलान करना चाहिए था उसमें छुपाने वाली बात क्या है ये तो बहुत फखर की बात है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है और उनको इस बात पे फखर होना चाहिए कि वो जहन्नम की आग से बच गए और सही रास्ते पे चलना शुरू किया और उसको हिदायत मिल गई अल्लाह ताला ऐसे हिदायत सबको मिले अच्छा लगता है ऐसे देख कर के आ, मुख्तलिफ से पूरी दुनिया से जो है लोग मुसलमान हो रहे हैं इस्लाम को कबूल कर रहे हैं जो इस्लाम को स्टडी करते हैं उनको पता चलता है कि ये सच्चा मज़हब है और ये वाहिद सच्चा मज़हब है और वो उसको कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनको ईमान वाली जिंदगी लंबी ज़िंदगी अता करें अमीन सब्मा और हमको भी दीन की सही रास्ते पे चलने की तोहफ़ी कता फरमाए दीन को और मजीद समझने की तोफ़ी क़त फरमाए आमीन सुबह आमीन सो तो ये थी आज की वीडियो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल रहे अपना बहुत ख्याल रखिएगा फी अमैन